और मेरे बाबा केदार जल्दी बुला लो, बड़ा मुश्किल लग रहा है इन पहाड़ों पर चढ़ना, बहुत मुश्किल है। आप मेरे पीछे देख रहे हो पहाड़ ऊँचे, बहुत भयंकर यहाँ खतरा है। मेरे ऊपर एकदम पहाड़ और एकदम बिल्कुल नीचे नदी। भाई ये रोड का बस यही है, बहुत संभल के यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई ऐसी जगह से निकलना जल्दी ठीक है। गाइस चाय बना रहे हैं, आज हम पहली बार अपनी कुकिंग कर रहे हैं अपने मिनी सिलेंडर पे और मिनी स्टोव पे। सो हेलो माय यूट्यूब जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज हम उठ गए सो के और ठंड ठीक ठाक पड़ रही है यहाँ पे। एंड गाइज आज रात को ना हम यही मंदिर पे ठहरे थे, ये गाइज अपना मंदिर और सामने हम ठहरे थे वहाँ पे। तो गाइज निकलते हैं। गाइज देखो आपको ठंड महसूस तुम कर रहे हो, ठंड दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हो कोहरा आ रहा है पूरे में ऊपर, बिल्कुल ठंड है, पूरा ठंडा एरिया है भाई। देखो पहाड़ों पर ना चारों तरफ कोहल है, इधर मतलब क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो गाइज रेडी हैं, नहाएंगे आगे। भाई सुबह सुबह नहाया भी नहीं जा रहा, बहुत ठंड है जैसा भी है। तो आगे चल के हम कहीं नहाएंगे जैसा भी है दोपहर के टाइम में। तो बैग वैग उठाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस फाइनली बैग उठा लिया और गाइस निकलते हैं और इन भाइयों को बोलते हैं बाय। चलें भाई, मिलते हैं भाई। ये साइकिल से चल रहे हैं और हम पैदल, लेकिन साथ ही चलेंगे ना भाई। मिलते हैं आगे अच्छे से। आज कहाँ करोगे नाइट स्टार? आज गुप्तकाशी। गुप्तकाशी ठीक है भाई। ये साइकिल से आएंगे, थोड़ा लेट आ रहे हैं, वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं अभी। तो गाइज आज है नाइट स्टे गुप्तकाशी, तो भाई पहुंच जाएंगे, काफ़ी दूर है अभी वहाँ से 22 किलोमीटर। तो निकल चुके हैं भाई, बैग बैग उठा लिए अपने। ओह चलो भाई, गाइज हम निकल चुके हैं। और गाइज बताए मैंने जैकेट डाल ली बैग में, आगे फिर भी निकाल लिया भाई, ठंड लग रही है बहुत। अब हालात ख़राब हो गई यार, मुझे पता नहीं था यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी देर बाद ना गाइज थोड़ी सूरज तेज़ होगा तो गर्मी सी होगी। चल रहे हैं भाई। सो गाइज अभी ना हम एक जगह रुके थे और गाइज बहुत टाइम हो गया मैं रुके रुके, समथिंग आधा एक घंटा। और गाइज थोड़ा चेंज बताओ, देख के मेरे फेस पे कुछ चेंज लग रहा है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने ना बियर्ड बहुत ज़्यादा ओवर हो गई थी मेरी बियर्ड, ये देखो पूरा क्लीन, मतलब उसे सेट कराया है मैंने। और इसने कराई थी कटिंग, देखो बता रही क्या ये सही लग रहा हो, बढ़िया इसने कटिंग कराई थी। और भाई हम निकलते हैं, करते हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ। एंड गाइज उसके बाद ना हम आज कहाँ पहुँच रहे हैं, आज कहाँ? गुप्तकाशी पहुँच जाएंगे गाइज, बने रहिए वीडियो के साथ, देते हैं नेक्स्ट अपडेट। और अभी हम खाना वाना खाएंगे। और गाइज पता है आज है ना 8 किलोमीटर की चढ़ाई भी पड़ने वाली है, बहुत भयंकर। तो हालात ख़राब हो जाएगी गर्मी में जैसा भी है। तो कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं। सो गाइज अभी हम रुक चुके हैं एक होटल पर खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ गाइज खाना खाते हैं उसके बाद। गाइज आ चुका अपना खाना, मिक्स वेज दाल चावल रोटी पापड़ सलाद। तो गाइज खाना खाते हैं उसके बाद। सो गाइज फाइनली खाना खा लिया और गाइज निकलते हैं, प्लेट साफ कर दिए पूरी। चलो भाई निकलते हैं, करते हैं यात्रा को प्रारंभ। सो गाइज फाइनली खाना खा लिया और गाइज आज का ब्लॉग ना थोड़ा यात्रा से हटके रहेगा, क्योंकि अब तक तो हम यात्रा पर तो हैं, वैसे आपको पता ही है। और गाइज आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पे ना गाइज 10K फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब नाइट को ही कंप्लीट हुए थे। तो गाइज थैंक यू, आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, 10K करा दिया आपने मेरे इंस्टाग्राम पे। तो भाई उसकी खुशी में ना एक हम केक कट करेंगे। और गाइज आज केक काटेंगे मैं, सतेंद्र भाई, सारे भाई, हाँ मतलब सारे भाई, चारों भाई मिलकर ना केक काटेंगे, मतलब अच्छी सी लोकेशन देख के, पत्थरों के बीच में, पहाड़ी इलाके में। yes. और 10K का पीछे लोगो लगाएंगे, तो मतलब चार ही बंदे रहने वाले हैं, लेकिन मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आपको रील भी देखने के लिए मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, एंड आपको ब्लॉग तो देखोगे ही आगे जैसा भी है। तो देखते हैं कोई प्यारी सी लोकेशन और कहीं से केक परचेस करेंगे, एंड उसके बाद करेंगे केक कट। तो मैंने बोला था इनसे, मतलब जैसे मेरे 10K हो जाएंगे ना, या तो केदारनाथ कंप्लीट हो, कहीं भी हो, मतलब मैंने बोला था कि भाई केक जरूर कट करेंगे। तो फाइनली गाइज आज के ब्लॉग में हम करेंगे केक कट, तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखो आगे मज़ा आने वाला है। सो गाइज अभी ना हम कंटिन्यू चल रहे हैं। गाइज हम सोच रहे हैं यार केक शाम को काटते, क्योंकि धूप हो रही है तो वीडियो क्वालिटी भी ऐसी आएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो अभी देखते हैं कोई, और शाम तक जहाँ भी कोई सिटी पड़ेगा वहाँ से केक परचेस करेंगे, और पहले कहीं नदी में नहाएंगे जैसा भी है, उसके बाद करेंगे गाइज केक कट। और भाई बहुत अच्छा लग रहा है सच में, बहुत खुशी हो रही है मुझे। जब मेरे YouTube चैनल पे 10K हुए थे ना गाइज, वो पल भी कुछ था, राज निष्ठा पे हुआ, तो ये पल भी कुछ है मेरे लिए। तो क्यों ना इस पल को याद किया जाए, इसलिए हम केक कट कर रहे हैं। चलो मिलते हैं। गाइज पता है हमें ना पिछले 1-2 घंटे से लगातार चल रहे हैं, और अभी तक ना कोई ऐसी शॉप नहीं मिली जहाँ से हम केक वगैरह ले लेते। मुझे तो लगता है यार केक काटने का बहुत मन है यार, लेकिन क्या करें, कोई शॉप ही नहीं मिल रही यार इधर पहाड़ों में केक की। देखते हैं भाई, मिलेगा तो काटेंगे, वरना वैसे तो कोशिश तो करेंगे। देखते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स है। भाई चल रहे हैं लगातार। सो गाइज पता है सुबह से ना काफ़ी चल रही है, और गाइज पता है कहीं भी हमें केक की कोई शॉप नहीं मिली यार, हमारा ऐसे ही रह गया आज का ड्रीम केक कट करने का। लेकिन कोई नहीं, अगर आज नहीं होगा तो कल करेंगे, काटेंगे ज़रूर। और गाइज जहाँ हम चल रहे हैं ना अभी, यहाँ से 8 किलोमीटर की अब चढ़ाई पड़ने वाली है, बहुत भयंकर। ये चेक करें, लगातार हम ऊपर जा रहे हैं,
बहुत बुरी चढ़ाई है गाइस, 8 किलोमीटर एक भैया बता रहे थे, कह रहे भाई 8 किलोमीटर आपको जाना ऊपर लगा था। और ये स्कूटर जो है ध्यान से देखो पूरा लोड लेके चल रहा है, बहुत ऊपर आ चुके हैं गाइस। देखो पहले नदी हमारे पास चल रही थी, अब बहुत नीचे है और भाई थक चुके हैं बहुत, बुरे हालात ख़राब हो रहे गाइस, लेकिन कोई नहीं चलना तो है। सो गाइस शाम हो चुकी है और भाई आज हम जो सोच रहे थे ना वो प्लान कैंसिल सा हो चुका है हमारा, क्योंकि भाई हम आज केक काटते 10K का, लेकिन गाइस कहीं केक की शॉप नहीं मिली हमारी, इसमें क्या गलती है, मतलब जहाँ हम चल रहे हैं कोई केक बैक मिल ही नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं गाइस कल देखेंगे जैसा भी। और गाइस पता है शाम हो चुकी है और मेरे बाबा केदार जल्दी बुला लो, बड़ा मुश्किल लग रहा है इन पहाड़ों पर चढ़ना, बहुत मुश्किल है। आप मेरे पीछे देख रहे हो पहाड़, ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं मेरे बाबा केदार, जल्दी बुला लो मेरे बाबा, बहुत मुश्किल लग रहा है, हालात ख़राब हो चुकी है। तो सही भाई सपोर्ट करें और हर हर महादेव, सभी को मिलते हैं आगे। गाइस पता है अब तक हम पहाड़ों में चल रहे हैं तो लग पिछले 10 दिन से, और गाइस अब तक ऐसी खतरनाक सड़क नहीं आई, आप देखें ऊपर पहाड़ है बिल्कुल और गाइस बिल्कुल नीचे नदी, रोड लास्ट होते ही बिल्कुल जस्ट नीचे नदी और ऊपर पहाड़ है गाइस, ये देखें भाई बहुत खतरों से भरा ये सड़क है भाई, बहुत संभल के यहाँ चलना पड़ रहा है, वो भी पैदल गाइस, यहाँ डर लग रहा है गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत भयंकर यहाँ खतरा है, मेरे ऊपर एकदम पहाड़ और एकदम बिल्कुल नीचे नदी भाई, ये रोड का बस यही है, बहुत संभल के यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई ऐसी जगह से निकलना जल्दी ठीक है। गाइस आपको एक चीज़ दिखाएं, दिखा कुछ नहीं दिखा, केदारनाथ 54 किलोमीटर गाइस, हमारी बाबा का मंदिर अब हमसे 54 किलोमीटर है गाइस, जाने को ना हम 2 दिन में जा सकते हैं, कल परसों में पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी बाबा का मंदिर बंद है, 10 मई को खुलेगा ये चेक करें। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुप्त काशी, और गाइस गुप्त काशी के बिल्कुल नीचे एक मंदिर है, यहाँ पे यहाँ ठहरे हैं हम, अपना कैंपिंग टेंट यहीं लगाएंगे, देखेंगे अभी बेस्ट, और इधर कुछ महाराज जी भी ठहरे हुए हैं, हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस अभी हमें जाना है बिल्कुल वहाँ पे ऊपर, ऊपर मतलब गुप्त काशी है, इसे पहाड़ को थोड़ा पार करके बस 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3-4 का नहीं 1-2 का बस, तो वैसे गुप्त काशी पहुँच गए गाइस हम, और नाइट स्टे आज हमारा यहीं होगा, क्योंकि भाई अब नहीं चला जा रहा गाइस, सुबह से ना 20 किलोमीटर चल दिया आज, बहुत ज़्यादा निकाल दिया है हमने, बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है, तो भाई अब नहीं लग रहा कि हम आगे चल पाएंगे। और गाइस ये चेक करें यहाँ का मंदिर बहुत प्यारा, तो भाई करते हैं रेस्ट, नाइट को ठहरेंगे यहीं जैसे जैसा भी है, और खाना वाना खाएंगे, देखेंगे जो भी व्यवस्थाएँ होगी, मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और गाइस पता है ठंड है ना इतनी भयंकर लग रही है, बहुत ज़्यादा जैकेट डाल लिया मैंने, और मौसम देखो गाइस पूरा ठंड का मौसम है, और यहाँ से ऊपर तो भयंकर ठंड पड़ने वाली है। और गाइस अभी पीछे एक होटल है, होटल पर खाना वाना खा के आते हैं, एंड उसके बाद ब्लॉग एडिट करेंगे, फिर सो जाएंगे, आज थोड़ा जल्दी ठहर गए क्योंकि अब नहीं चला जा रहा, आज 20 किलोमीटर चल लिया, फिर भी चलो खाना खाते हैं। पैसे हम यहाँ खाना खाने आए थे, भैया कह रहे भाई यहाँ कोई होटल वोटल नहीं है, आपको गुप्त काशी जाना पड़ेगा ऊपर 3 किलोमीटर, तो भाई अभी नहीं जा रहे हम, तो जो हमने स्टॉक ले रखा है मैगी वगैरह आज खुद से खाना बनाने वाले हैं, दूध लेते हैं यहाँ से, पहले चाय वाय बनाएंगे और दूध चाय की पत्ती चीनी, एंड उसके बाद चलते हैं बनाते। सो गाइस फाइनली हमने ये सामान ले लिया है, दूध की थैली, बिस्कुट, प्याज, टमाटर, मिर्च और पूरा ले लिया, मतलब बनाने का जैसा भी है, अब चलते हैं गाइस, पहले हम बनाएंगे चाय एंड उसके बाद बनाएंगे मैगी, भाई आज बनाएंगे हम खुद से, देखो गाइस कैसे करते हैं आज कुकिंग, चलो। सो गाइस आ चुके हैं, अभी निकालते हैं पूरा सामान कुकिंग का एंड बनाते हैं खाना। सो गाइस ये आ चुका अपना मिनी स्टॉक, और ये अपना फ्राईदान, और ये रही गैस, एंड बाकी पानी आ चुका है, पहले बनाते हैं हम चाय, निकालो भाई। तो गाइस ये अपना चूल्हा रेडी हो चुका है, एंड ये हमारा गैस इसका, अभी इसको हम लगाते हैं। तो गाइस ये लग चुका है हमारा सिलेंडर इसमें, एंड अभी मैं इसको चालू करूंगा, देखो बिल्कुल तैयार हो जाए, इसके नीचे कुछ लगाने के लिए दे दो, चलें करें स्टार्ट। चलो गाइस ये चेक करो गाइस, हमारा खाना बन रहा है, और ये बनेगी हमारी पहले चाय, एंड उसके बाद इसमें पत्ती तो डालो। गाइस चाय बना रहे हैं आज हम, पहली बार अपने कुकिंग कर रहे हैं अपने मिनी सिलेंडर पे और मिनी स्टोव पे, और इधर हमने सामान रखा सारा। तो गाइस ये बन रही है हमारी चाय, और भाई अभी इसमें चाय की पत्ती चीनी डालते हैं, और उसके बाद मिलते हैं, चाय बन जाएगी तब पियेंगे मस्ती के साथ, मजा आ गया गाइस आज खुद से बना रहे हैं हम खाना, अभी इधर जगत भाई डाल रहा है चीनी एंड चाय, चलो मिलते हैं एक ब्रेक के साथ। तो भाई चाय तो हमारी बन चुकी है, एंड हमने प्याज मिर्च वगैरह काट लिए हैं मैगी के लिए, और भाई पहले हम चाय पीते हैं एंड उसके बाद बनाएंगे, हाँ यूट्यूब पे उसके बाद हम मैगी बनाएंगे गाइस, चाय बाय बनते हैं, पहले चाय पीते हैं। और गाइस बहुत अच्छा लगा, पता है हम खुद से कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम कि भूख जो लग रही थी ना बहुत फास्ट, उसने ब्रेक मार दिया एकदम से, कह रही अब पहले बनाओ तभी मैं आऊँगी, मतलब अच्छा लग रहा है खाना खुद से बना रहे, बहुत अच्छा लगा, पहले चाय पीते हैं।
सो गाइस जी आज की अपनी चाय बिस्कुट और अभी मैगी तैयार करेंगे, पहले चाय पीते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम खुद से बना रहे तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। तो पहले चाय पीते हैं फिर बनाएंगे मैगी। सो गाइस फाइनली चाय तो पी ली है और गाइस अब बनाते हैं हम मैगी। और भाई उसके बाद मैगी खा पी के अपना ब्लॉग एड करेंगे, फिर सोएंगे, टेंट लगाएंगे अपना। बस मजा आ गया भाई सच में वैसे। चलो मैगी बनाते हैं। सो गाइस जी और हमारा पेस्ट तैयार, ये इधर मैगी आ चुकी है और ये बाकी इसका मसाला वगैरह ये पेस्ट तैयार, इधर पानी उबल रहा है एंड मैगी बन जाएगी गाइस थोड़ी देर में। उसके बाद खाएंगे भाई मैगी वैगी और अपना सोएंगे फिर खाओ। तो गाइस हमारी मैगी बन के कम्प्लीट होने वाली है और करते हैं और भाई खाते हैं और फिर सोते हैं। सोना नहीं है, ब्लॉग एडिट करना है भाई। चलो तो गाइस जी आ चुके हैं अपनी मैगी, तो भाई खाते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हमने मैगी खा ली और गाइस अब लगाते हैं हम अपना कैंपिंग टेंट एंड उसके बाद भाई ब्लॉग एडिट करना है फिर सोना है। और गाइस यहाँ पे ना ठंड पड़ रही है बहुत भयंकर वाली, तो टेंट लगाते हैं। सो गाइस ये लगा लिया हमने अपना कैंपिंग टेंट मंदिर के सामने बिल्कुल ये। और गाइस अब है ना कुछ भी काम नहीं है, अब भाई ब्लॉग एडिट करना और सोना। हमने बोर्ड भी अंदर डाल लिया, देखो करंट का ये रहा अपना, ये हैगा बाकी उधर अपने इंपॉर्टेंट सामान वहाँ पे, ये अंदर पड़ा टेंट के। तो अरे लाइट चली गई, लाइट नहीं गई, फ़ोन की लाइट बंद हो गई। तो गाइस आज की यात्रा हमारी यहीं समाप्त होती है, क्या नाम है इसका, गुप्त काशी में। और कल की यात्रा 16वें दिन की पुनः प्रारंभ करेंगे यहीं से। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।